फिर देखे इन लोगों ने मार डाला। नहीं, आपका बेटा कहाँ गया था? बरुआ। कब गया? सुमेरपुर बरुआ, 14 तारीख को गया था। 14 तारीख को ससुराल गया, बहू के साथ गया था। बहू घर से लेके गए जी, और बहू के पापा से हमने बात भी कर ली। पापा बोले नहीं उन्हें भेज दो, अनूनी बात है, कुछ बात करनी है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और एक और ससुर ने लगाया बहू पर आरोप कि मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को हत्या कर दी पत्नी ने। ससुर ने लगाया बहू पर आरोप। ऑनलाइन शादी हुई थी, फेसबुक के जरिए शादी हुई थी, लेकिन कामयाब न हो सकी। और आखिरकार पत्नी के हाथों हो गया पति शिकार। लेकिन पत्नी ने कितनी बातें बदली, आपको हम आगे सुनवाएंगे। रिया गुप्ता, शुभम गुप्ता, नौशेरा जलालाबाद का रहने वाला था लड़का, और शादी उसकी फेसबुक के जरिए हुई थी। बरुआ समेत हमीरपुर का रहने वाली थी लड़की, फेसबुक के चुंगल में फंसा लिया लड़के को और शादी हो गई। शादी को अभी 3 महीने हुए थे, जो बाखूबी आप देख रहे हैं, रिया जो कि हमीरपुर की रहने वाली है, 3 महीने शादी को हुए। और इसी बीच परिवार के लोगों का ये आरोप है, परिवार के लोगों ने कहा है, मृतक के परिवार के लोगों ने, कि मेरी बहू जो है उसने सुसाइड दे दिया। और जब बहू से हमने पूछा तो बहू का ये कहना था कि शुभम को सुसाइड दिया गया है, उसके माता पिता ने सुसाइड दिया और हमीरपुर गया। भला बताइए, जहर खाने के बाद 5 घंटे का सफर कौन तय करेगा? काफी बातें बदली, बातों में फेर बदल हुआ रिया का, पत्नी का। लेकिन पत्नी ने ये कहा कि मायके वालों ने जान नहीं ली, ससुराल वालों ने जान ली, लेकिन शुभम के पिता, आपको बता दें, सुनील गुप्ता का कहना है कि 14 तारीख को मेरे बेटे को ये ले गई ससुराल, और ले जाने के बाद मेरे बेटे के सास ससुर ने और पत्नी ने जबरदस्ती जहर दिया, और उससे पहले झगड़ा किया, 151 में चालान करवाया मेरे बेटे का, और उसके बाद में जहर दिया। लेकिन पत्नी ने काफी बातें बदली। कुछ खाया क्या हुआ? नहीं, यहीं से खा के गए थे, पुलिस लेकर गई थी उनको। कुछ खाया क्या हुआ? नहीं, यहीं से खा के गए थे, पुलिस लेकर गई थी उनको। कुछ खाया क्या हुआ? नहीं, यहीं से खा के गए थे, पुलिस लेकर गई थी उनको। तो कह रहे थे पापा, अब मेरे पापा से कह रहे थे पापा बचाई लो, तो मैंने ससुर सास को फोन लगाओ कि ऐसा करके आए हैं, तो ये कह रहे हमने अपने उससे जायकाज से दखल अंदाज कर दो, हमें कोई मतलब ना है, मर जाए हमारा लड़का, मर जाए बहू, कोई मतलब ना हमें। तो ये बताओ, आपकी समझ में किसने जहर दिया आपके पति को? अपने हाथ से उन्होंने खाया है, एक बार अपने हाथ से और खाया था, अपने हाथ से खा लेते हैं, 2 बार अपने हाथ से घर में फांसी भी लगाने की कोशिश करी है। ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं अंकल, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, किसी बात से परेशान है? कोई बात नहीं, बस अंकल घर से जैसे हम अपने मायके जाने का, 3 महीने मेरी शादी की हुए, मैं शादी से मायके नहीं जा पाई हूँ, एक भी बाहर, तो हमने कहा भैया छोड़ा हमारा जी उबता जाने के लिए, तो छोड़ा है, तो हमने कहा भैया मेरे पेट में बच्चों आए, तो मेरे जी मेरे पैर तरह जमीन खिसक रही, ठीक हो जाएंगे तो आपके साथ चलेंगे हम अच्छे से, हम इतनी। अच्छा ये बताओ, कितना टाइम हुआ शादी को? 3 महीने हुए, तो चौथा महीना लगा मेरी शादी। 4 महीने से पति पत्नी में अच्छे तरीके से बोलचाल थी? हमारी मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, अब ये घर की कलेश में ये चले। किसकी कलेश थी? ये घर में रहते थे अपने, हम अपने मायके चले गए थे, क्या इनके घर में हुआ, क्यों मायके भाग के मेरे आए? आपके सामने कभी कोई ऐसी बात हुई? मेरे सामने हाँ, फांसी 2-4 बार अपने घर में लगाई। क्यों लगाई? अब जैसे घर पे कोई बात है बहस कर लेते बात थे। हुई जैसे पापा है कुछ भी है, किस बात के पीछे हुई ये नहीं पता हमें, किस बात के पीछे हुआ। आपकी शादी से पहले होती थी ये? शादी के बाद? शादी से पहले भी ये लोग ऐसे ही करते थे। अच्छा, घटना वाले दिन क्या हुआ, क्या खा के गए थे, क्या बताया आपको? ये जब गए पुलिस के साथ में, तो पुलिस वालों ने कहा क्या खाया है, तो कह रहे मैंने अपने हाथ से चूहा मार दवाई खा ली है, तो उन्होंने कहाँ से लाए, तो कह रहे थे जलालाबाद से लाए थे, तो कह रहे थे वहीं से खा के आए, कह रहे हाँ वहीं से खा के आए हम। और अब देखिए, पत्नी खुद ही अपने सवालों के घेरे में फंसेगी। अब पत्नी जो कहेगी वो ये कहेगी कि मेरा पति शुभम अपने घर से यानी शाहजहांपुर से हमीरपुर जहर खा के गया, जबकि कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं हमीरपुर जाने में। पत्नी का ये कहना है कि मेरे ससुराल वालों ने जहर खिलाया और शाहजहांपुर से वो हमीरपुर पहुंचे, जहर खाकर 5 से 6 घंटे तक जीवित कैसे रहा पति,
बाखूबी हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। कई बातों में पलटी महिला और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। हमारे पति ने जहर कहाँ खाया? यहाँ से खा के हमीरपुर गए। हमीरपुर गए, हमीरपुर में कितनी देर की रास्ता, कई घंटे की? हमीरपुर 4 घंटे की ज्यादा से ज्यादा रास्ते है। फिर वहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? वहाँ पुलिस लेकर आई घर हमारे कि आपका दामाद है, तो हम लोगों ने कहा हाँ। तो हमारे पापा से कहती हैं कि ये देखो कुछ खा के आया है, इसको अस्पताल ले चलो, सबसे पहले अस्पताल लेकर दिखवाओ उसको, और दिखवा करके अस्पताल, और फिर बाद में इसको ट्रीटमेंट करा के इसके घर ले जाओ, पुलिस ने कहा। तो हमने कहा ठीक, इनका ट्रीटमेंट अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छे हो गए। फिर इनकी मम्मी का फ़ोन आया कि रात में रिया लेकर चली आओ, तो हम रात में गाड़ी करके हम लेकर आ गए, इनको लेकर आ गए। अच्छे खासे थे, बोलते बताते थे। सूर्या हॉस्पिटल में खूब इनकी मम्मी बुलाया, खूब बोले बताने, खूब बोलते बताते रहे कि रिया को हमारी कुछ नहीं, मम्मी मेरी गलती, मैंने सब खाया अपने हाथ से, रिया की कोई गलती नहीं है। तो फिर बाद में इनने इतनी बात बोली है, फिर ये कह रहे हैं मम्मी हमें घर ले चलो, हम ठीक हैं। तो हम लोग घर लेकर ये आ रही थी सास, तो इन गोलू भैया का फ़ोन आया है, तो उन्होंने कहा है कि आओ जिला अस्पताल में दिखा दे। तो हम जिला अस्पताल आ गए, हमें तो पता नहीं था जिला। यहाँ आए तो डेड मिले। यहाँ मौजूद उनके पास कौन कौन था? उनके पास उनके पापा और भोलू भैया थे, और क्या कहते हैं, एक डॉक्टर थे। उन्होंने सामने हमको अलग भगा दिया, कह रहे तुम हटो दूर, और कोई हमसे नहीं बोला, ना हमसे कोई बात करा, हमें उल्टा फंसाना चाहते हैं। और अब हम आपको सुनवाएंगे शुभम के पिता सुनील कुमार का क्या कहना। सुनील कुमार का ये कहना है कि फेसबुक के जरिए शादी करी, 3 महीने शादी को हुए और इसी बीच पत्नी ने जीना हराम कर दिया। 14 तारीख को मेरे बेटे को साथ में ले गई पत्नी और ले जाकर वहां मार पिटाई लगाई, अपने पिता से भी पिटवाया, यहां तक कि 151 में चालान भी करवाया और वहीं मेरे बेटे को कुछ दे दिया। और ड्रामा कर रही है पत्नी, मेरी बहू जो है वो ड्रामेबाज है। पिता का सुनील कुमार पिता, जो कि शुभम के पिता हैं, जलालाबाद के नौसेरा के रहने वाले हैं, क्या कहना है उनको, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को खा लिया, मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार मेरी बहू है। कैसे, आइए सुनते कि बेटे के साथ क्या हुआ। बेटे बेटा ये बता रहा है मुझे, घर देके इन लोगों ने मार डाला। नहीं, आपका बेटा कहाँ गया था? बरुआ। कब गया? सुमेरपुर बरुआ, 14 तारीख को गया था। 14 तारीख को ससुराल गया, बहू के साथ गया था। बहू घर से लेके गए जी, और बहू के पापा से हमने बात भी कर ली, पापा बोले नहीं उन्हें भेज दो, अनूनी बात है, कुछ बात करनी है, भेज दिया। वहाँ उन्होंने बंद करा दिया उसे थाने में, लड़के को 151 में, वहाँ उसकी जमानत कराई। जमानत करने के बाद जलालाबाद आया, जलालाबाद आने के बाद फिर उसने फिर इन लोगों ने गाली बकरी उन्हें दी कि तुम बरुआ मत आना, बरुआ आओगे तुम्हारे हाथ पैर काट लेंगे, ये सब बातें हुई। हाँ, लड़के ने रात को 2 बजे फ़ोन करके घर पर बताया कि मुझे जहर दे दिया ससुराल वालों ने। हाँ, सत्यम एक हैं चेयरमैन साहब जलालाबाद के, मुरिंदर गुप्ता हैं चेयरमैन साहब, उनके लड़के को रात को 2 बजे फ़ोन करके बताया। जैसे ही वो ये कह रही है कि यहाँ से जहर खा के गए, उसके बाद में वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया, 400 किलोमीटर यहाँ से जहर खा के वहाँ तक पहुँच जाएगा, ये तो पकड़वाने बात है। उसने यही तो बात कही, हमने जब पूछा उससे कि साफ साफ बात बताओ, तो कहने लगी साफ साफ बात कुछ नहीं, आप क्या मानते हो, आप क्या मानते हो, आप क्या मानते हो? उसको जहर दिया, 14 तारीख को गया जी, को जब ये गया जाने के बाद में पत्नी को विदा कराने गया होगा या? हाँ, विदा कराने, वो उसके बगैर रह नहीं पाता, उसने अपने घर सब कुछ छोड़ दिया था। इसकी बहू कहती थी तुम्हारे घर पे भूत हैं, प्रेत हैं, जे है घर पे निकल कीलें लेके आए, बताते वहाँ करवा के, वहाँ कोई तांत्रिक बता रहे, कोई है वहाँ का बता रहे, बंगाल का कोई जादूगर है। अब कहती कि तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी किडनी खराब हो गई, जे हो गई, वो फलानी हो गई। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? मोबाइल से कुछ होता है इन लोगों का, फेसबुक द्वारा हुई। तो आपने इस मामले में कार्रवाई करी? अभी नहीं, करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दीस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोस बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन।